Good morning students how are you all i hope you guys are enjoying your stay at home make sure you wear mask whenever you go out of the house and keep maintaining social distancing of 6 feet and or 2 yards so let's start today's worksheet today is wednesday and the date is 25 november 2020 this is your worksheet number 117 this is an english worksheet from unit 2 the little field tree hello dear children what a beautiful morning isn't it do you remember the opposite of fast yes it is slow क्या आपको फास्ट का ऑपोजिट याद है जी हाँ, फास्ट का ऑपोजिट है स्लो लेट एस रीड द स्टोरी ऑफ द फिर ट्री टू लर्न अ फ्यू मोर वेज इन विच वी कैन मेक ऑपोजिट वर्ड्स तो चलिए एक बार फिर हम फिर ट्री यानी कि देवदार के पेड़ की कहानी को पढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ नए तरीके ऑपोजिट वर्ड्स यानी कि विलोम शब्द बनाने के द फिर ट्री वॉज़ अनहैप्पी देखिए आपको अनहैप्पी हाईलाइट करके दे रखा है इन्होंने अंडरलाइन करके जो फिर ट्री था वो बहुत ही दुखी था इट थॉट दैट इट वॉज इम्परफेक्ट बिकॉज बर्ड्स वर अनेबल टू मेक नेस्ट ऑन इट उसे लगता था कि वो इम्परफेक्ट है क्योंकि बर्ड्स जो हैं उस पर अपना घोंसला नहीं बना पाते द बर्ड्स वर अनेबल अनेबल भी आपको अंडरलाइन करके दिया गया है पक्षी जो हैं, उस पर अपना घोंसला नहीं बना पाते इसलिए जो ट्री है फिर ट्री वो इम्परफेक्ट है अच्छा नहीं है इट वॉज इम्पॉसिबल टू मेक नेस्ट ऑन इट ड्यू टू इट्स नीडल शेप्ड लीव्स और फिर ट्री पर अपना घोंसला बना पाना इम्पॉसिबल क्यों था बर्ड्स अपना घोंसला नहीं बना पाते थे क्योंकि उसकी नीडल शेप सुई जैसी या फिर नुकीली पत्तियाँ थीं द फिर ट्री वॉज नॉट एन अनकाइंड ट्री जो फिर ट्री था वो बिल्कुल भी निर्दयी ट्री नहीं था मतलब वो बहुत ही अच्छा और दयालु था लेकिन उसको इस बात का दुख था कि उसके ऊपर कोई भी घोसला नहीं बना पाता इट वॉन्टेड द बर्ड्स टू मेक देयर नेस्ट ऑन इट वो चाहता था कि बर्ड्स उस पर अपना घोंसला बनाएं। वेन द मजीशियन डिसाइडेड टू रिवॉर्ड इट विद फोर विशेज द ट्री द फिर ट्री यूज देम टू चेंज इट्स अपीयरेंस फिर जब मजिशियन ने उसको उसकी चार इच्छाएं पूरी करने की बात का आशीर्वाद दिया रिवॉर्ड uh, दिया इनाम दिया तो फिटरी ने अपना अपीयरेंस यानी कि जैसा वो उसका उसकी उसकी शकल थी उसका लुक था वो बदलने की कोशिश की बट सून ही रिक्वेस्टेड टू अंडू ऑल एंड गो बैक टू हिज ओल्ड सेल्फ पर जल्दी ही उसे ये बात समझ में आ गई कि वो जैसा पहले था वैसा ही अच्छा था इसलिए उसने सारी चीज़ों को अंडू करने को कहा डू मतलब करना और अंडू मतलब उसका वापस वैसे ही कर देना तो जो कुछ भी जो चेंजेस आए थे जैसे कि कभी ग्रीन लीव्स लीव्स, लीव्स हुई हुई थी, फिर हुई, हुई थी, फिर ग्लास गोल्ड आपको करना यह है कि ऊपर वाले पैराग्राफ को एक बार दोबारा से पढ़ना है डिड यू नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स क्या आपने इसमें अंडरलाइन वर्ड्स को नोटिस किया जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको ध्यान से देखिए यस यू ऑब्ज़र्व देम करेक्टली ध्यान से देखिए आपने उनको बहुत अच्छे से देखा है तो आपको पता चलेगा दीज वर्ड्स हैव आई एम इन एंड यू एन अन प्लेस्ड बिफोर द वर्ड्स आपने देखा होगा कि सभी वर्ड्स में या तो आई एम लगा हुआ है या फिर यू एन लगा हुआ है आगे राइट नाउ राइट दीज वर्ड्स एंड रीड दैम अलाउड अब आपको करना ये है कि इन वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उनको जोर से बोलिए दे आर कॉल्ड प्रीफिक्स जो छोटे छोटे वर्ड छोटे छोटे अक्षर आपने इसके आगे लगाए हैं वर्ड्स में आई एम और यू एन ये सब वर्ड्स क्या बना रहे हैं प्रीफिक्स अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट यू पुट एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग कॉल्ड अ प्रीफिक्स जब भी आप किसी प्रॉपर वर्ड जब भी आप किसी वर्ड के आगे कोई भी नए अक्षर लगा देते हैं कोई भी नया लेटर लगा देते हैं या दो तीन लेटर से एक छोटा सा वर्ड जो बनता है वो लगा देते हैं और उससे उस वर्ड का मीनिंग बदल जाता है तो उसे बोला जाता है प्रीफिक्स जैसे कि वर्ड हैप्पी है हैप्पी के आगे हमने लगा दिया है यू एन अन तो वो बन गया अनहैप्पी यानी कि खुश हैप्पी का मतलब होता है खुश और अनहैप्पी हो गया तो दुखी यानी कि जो खुश नहीं है ऐसे ही इम परफेक्ट वर्ड है परफेक्ट परफेक्ट में हमने लगाया आई एम इम तो वो बन गया इम परफेक्ट राइट इसी तरीके से एबल ए बी एल ई एबल होता है वर्ड उसके आगे हमने अन लगा दिया तो वो बन गया अनएबल राइट right? सो so, ये वर्ड्स जो छोटे छोटे वर्ड्स हम लगा रहे छोटे छोटे एक्चुअली लेटर्स छोटे छोटे लेटर्स जो हम आगे लगाते हैं एक वर्ड के उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स अब प्रीफिक्स इज़ यूज बिफोर अ वर्ड प्रीफिक्स हमेशा दिए गए वर्ड से आगे लगाया जाता है इट चेंजेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रीफिक्स लगाने से वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया हैप्पी का हो गया अनहैप्पी प्रीफिक्स लगाने के बाद हैप्पी मतलब खुजता और अनहैप्पी मतलब उसका हो गया उल्टा दुखी आगे द न्यू वर्ड मेड आफ्टर एडिंग यू एन और आई एम इज़ यूजली द ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड और जो न्यू वर्ड बनकर आता है प्रीफिक्स लगाने के बाद वो मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ड्स का ऑपोजिट वर्ड्स होता है ऑपोजिट होता है यानी कि इस तरीके से प्रीफिक्स लगा कर हम दिए गए वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स बना सकते हैं नाव लेटस राइट द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स यूजिंग द प्रीफिक्स गिवन इन द ब्रैकेट अब अगर आप नीचे देख रहेंगे देख रहे हैं तो अब हमें क्या करना है नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनके साथ ब्रैकेट में प्रीफिक्सेस दिए गए हैं आपको प्रीफिक्स को वर्ड्स के आगे लिखना है और ऑपोजिट वर्ड्स बनाने हैं जैसे कि फर्स्ट वर्ड क्या है सी ओ डबल एम ओ एन कॉमन अब कॉमन के आगे आपको क्या लगाना है यू एन अन तो कॉमन से बन जाएगा अनकॉमन ऐसे ही उसके नीचे है पी ओ एल आई टी ई पोलाइट पोलाइट के आगे है आई एम इम तो हम लगाएंगे पोलाइट से इम पोलाइट राइट तो पोलाइट का मतलब क्या बोलोगे आप पोलाइट मतलब जो बहुत ही प्यार से बात करते हैं राइट right? और इम पोलाइट जो बदतमीजी से बात करते हैं तो ऐसे ही हर वर्ड का उसके आगे प्रीफिक्स लगाने से उसका ऑपोजिट बन जाता है अगला वर्ड है ऑनेस्ट इसके आगे हम लगाएंगे डी आई एस एच ओ एन ई एस टी हो जाएगा उसके पीछे फिर ये हो जाएगा डिसऑनेस्ट ऑनेस्ट मतलब ईमानदार डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान. ऐसे ही लॉयल डिस यूज करेंगे तो बन जाएगा डिसयल तो ये है आपकी आज की वर्कशीट बाकी के वर्ड्स आप अपने आप कंप्लीट करेंगे हम मिलेंगे कल तब तक के लिए धन्यवाद